नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चार चार अंकों वाला जोड़ और घटाना सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहां पर देखिए, पहले हम जोड़ सीखेंगे फिर घटाना सीखेंगे, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपके सारे डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जोड़ सीखते हैं फिर इसके बाद में हम घटाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ के सवाल को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमें जोड़ना कैसे होता है, यहां पर क्या है, दो और पांच है, तो सबसे पहले दो और पांच को जोड़ेंगे, फिर चार और दो को जोड़ेंगे, और यहां पर लिखेंगे तीन और पांच को जोड़ेंगे, यहां पर लिखेंगे छह और दो को जोड़ेंगे, यहां पर लिखेंगे। अच्छा, जोड़ेंगे कैसे, तो वो भी मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है, यहां पर दो है तो दो लाइन खींच लीजिए, एक दो, ठीक है। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए सबसे पहले देखिए दो है तो दो लाइन खींचेंगे, एक दो, ठीक है। फिर पांच है तो पांच लाइन और खींचेंगे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। अब सभी लाइनों को हमें एक साथ गिन लेना है, तो चलिए गिनते हैं। तो एक दो तीन चार पांच छह सात, कितना हो गया, सात, तो यहां पर हम लिख देंगे सात, क्लियर। चलिए अब इन लाइनों का काम खत्म हो गया, इनको हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें चार और दो को जोड़ना है, तो चार लाइनें खींचेंगे, एक दो तीन चार, ठीक है। और दो को जोड़ना है तो दो लाइनें और खींच लेंगे, तो एक दो, ठीक है। अब सभी लाइनों को एक साथ गिनेंगे, तो एक दो तीन चार पांच छह, कितना हो गया, छह, तो यहां पर हम लिख देंगे छह, ठीक है। अब इन लाइनों का काम भी खत्म हो गया, तो अब इनको हटा देते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, तो यहां पर तीन है तो तीन लाइन खींचेंगे, एक दो तीन, यहां पर पांच है तो पांच लाइनें और खींचेंगे, तो यहां पर आ जाएगा एक दो तीन चार पांच, क्लियर। चलिए अब सभी लाइनों को एक साथ हम काउंट करेंगे, तो यहां पर देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कितना हो गया, आठ, तो यहां पर हम लिख देंगे आठ, क्लियर। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं यहां से। अब इसके बाद में हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो छह है तो छह लाइनें खींचेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, इसके बाद में दो को जोड़ना है तो दो लाइन और खींचेंगे, एक दो, ठीक है। अब सभी लाइनों को हमें एक साथ गिनना है, तो चलिए गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है। तो यहां पर भी हम लिख देंगे आठ, और ये जो है हमारा आंसर निकल कर आ गया है, इन लाइनों को यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो आया है ये हमारा क्या है, आंसर है, यानी कि हमारा उत्तर है। इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। चलिए अब हम घटाना सीखते हैं, तो घटाने का रूल क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, फिर इन दोनों को घटाएंगे, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को, ठीक है। तो यहां पर नौ है, नौ में से हमें पांच को घटाना है, तो ये कैसे घटाएंगे, तो चलिए सबसे पहले देखिए नौ है तो नौ लाइन खींचेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ठीक है। अब इसमें से हमें कितने घटाना है, पांच घटाना है, तो पांच लाइनों को काट देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो एक दो तीन चार पांच, ठीक है, तो पांच लाइनों को हमने काट दिया। अब कितना बचा, एक दो तीन चार, चार बचे, तो यहां पर हम लिख देंगे चार, ठीक है। चलिए अब इनको हम यहां से साफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर कितना है, पांच है, पांच में से तीन को घटाना है, तो पांच लाइनें खींचेंगे, एक दो तीन चार पांच। अब इसमें से तीन को घटाना है, तो तीन लाइनें इसमें से मिटा देंगे, तो एक दो तीन, कितनी बची, एक दो, दो लाइनें बची, तो यहां पर हम लिख देंगे दो, ठीक है। अब यहां पर तीन है, तीन में से एक को घटाना है, तो सीधे से हम क्या करेंगे, तीन लाइन खींचेंगे, एक दो तीन, और इसमें से एक को घटाना है तो एक लाइन को काट दो, तो यहां पर कितना बचा, एक दो, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा दो, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहां पर कितना है, सात, सात में से पांच को घटाना है, तो चलिए सबसे पहले सात लाइन खींचेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है। अब इसमें से हमें पांच को घटाना है, तो पांच लाइनों को काटेंगे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, पांच लाइनों को काट दिया, कितना बचा, एक दो, दो बचा, तो यहां पर हम लिख देंगे दो, ठीक है। और ये जो संख्या आई है यही क्या है, हमारा आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। इसको यहां से साफ कर देते हैं। चलिए तो ये जो संख्या आई है ये हमारा आंसर है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से चार चार अंकों का जोड़ और घटाना किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।